आपके साथ ये क्या मामला है? मेरा मामला है एसआई वसी खान से। उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और अब शादी करने से इनकार कर रहे हैं। 3 साल मेरे उनके रिलेशन रहे और उन्होंने मुझे रिंकू शुक्ला अपना नाम बताया था और एक्चुअल में नाम उनका एसआई वसी खान है। पहले तो उन्होंने मुझे यही चीट किया। मुझे जब पता चला, जब हम उनके रिलेशनशिप में हो चुके थे, 2-2 बच्चों का अबॉर्ट करा चुके, मेरा ऑपरेट हो चुका है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, सीसी फुटेज है मेरे पास। मंडे की रात को 27 तारीख को ये मेरे घर आते हैं बात करने के लिए। मैं इनकी फैमिली में गई, बात किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये बोले कि बहन की शादी नहीं हुई है, हम शादी अब नहीं करेंगे, और अपना जो है बोले कि हम आपके धर्म से नहीं शादी कर सकते हैं। तब मैंने बोला कि आप जो है हिंदू के साथ रिलेशन बना सकते हो, शादी क्यों नहीं कर सकते हो। अभी वो उसी दिन से फ़ोन बंद करके 10:15 रात से मेरी बात हुई है और 10:15 रात में मंडे 27 तारीख को मेरे घर आते हैं कि मैं बैठ के बात करता हूँ, और वो मुझे आइसक्रीम में क्या खिला के जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं सेंस में ही नहीं थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि यह पागल हो गई है। 112 भी वहाँ पे आई, वहाँ पे बयान भी हुए और ये वहाँ पे मौजूद थे। मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गए, पड़ोस के लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, जो कि इनको मेरे घर में देखा गया, लोगों ने देखा। जब इन्होंने विभागीय द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर डलवाया कि मैनेज कर लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, मैंने कहा मेरी इज्जत पैसों में नहीं बिकती, मैं शादी करूँगी और इन्हें शादी करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है ये फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं। मैं जा रही हूँ, आज 15 दिन का टाइम मैंने उन्हें सुधरने का दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रात में महिला थाने पे ये बैठे रहते हैं और यहाँ से फोर्स भेजते हैं। आप बताओ किसको अथॉरिटी है कि विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट FIR के आप किसी के घर पे रात में 12:30 बजे जाओ और उठा के लेके आओ। कौन सा जुर्म मैंने किया था कि 3 गाड़ियाँ मेरे मोहल्ले में गई, फोर्स लेके गई, और मुझे 1 घंटे पूछताछ घर पे की गई, उसके बाद मिसरौली चौकी थाने में चौकी पे बैठाया गया, वहाँ से मुझे यहाँ लेके आया गया महिला थाने, मुझे 4:30 बजे छोड़ा गया और मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था आप कंप्रोमाइज़ कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं शादी ही करूँगी, उसके बाद कुछ भी होगा देखा जाएगा। शिकायत मैंने DIG साहब के यहाँ की थी, कोतवाल साहब सॉरी आप आपके कोतवाली में किया, कोई रिस्पांस मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैडम आपकी महिला थाने की बोल रहे हैं कि मैंने कप्तान के यहाँ तहरीर दी। जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला के द्वारा जनपद में तैनात थे उप निरीक्षक वसी अहमद के विरुद्ध कथित आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, और जिसकी प्राथमिक जांच प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के द्वारा की गई और तहरीर में संज्ञेय अपराध के प्रथम दृष्टया अंकित होने की स्थिति में अभी पंजीकृत कराया गया है। जनपद के थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, धारा 420-376 IPC और धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा पीड़िता का 161 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है।